आज अचानक से लाइव आना पड़ा क्योंकि एक ज़रूरी मामले पे आपसे बात करनी थी और मैंने कैप्शन डाल दिया है कि मामला क्या है। और मैं ये लाइव बीच में डिस्टर्ब भी हो सकता है, मैं अनुरोध करूँगा कि ये एक ज़रूरी लाइव है, आप सब लोग जो हैं इस लाइव को सुने। और मैं आज आपसे मदद चाहता हूँ, शायद मैंने कभी आपसे नहीं कहा होगा लेकिन मैं आज आपसे मदद चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लाइव किया है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, और सबको आज नमन ही करूँगा, बस बाबा साहब के दिए अधिकारों का प्रयोग करूँगा जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। सभी गुरुओं को नमन, महापुरुषों को नमन। मगर आज का जो लाइव है मैं इसमें आपसे मदद चाहता हूँ, और मदद ये है कि जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो हो सकता है कि भारत में जातिगत व्यवस्था की वजह से, भारत में राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग की वजह से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको ना उठाए, लेकिन आपको पास ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और आशा और उम्मीद है कि आप इस मामले पे मेरी मदद करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम सब लोग उन्नाव को लेकर चिंतित हैं। उन्नाव में जो तीन बच्चों के साथ जो हुआ है, दो बच्चों की जान चली गई है और तीसरी अभी अस्पताल में है, और इसी को लेकर आज मेरा लाइव है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो न्याय ज़रूर मिलेगा, मैं इसका वचन देता हूँ, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि न्याय कैसे मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब उसके भाई जो हैं, उसके परिवार के लोग उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग अगर उसकी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो जो उम्मीदें बहने लगाती हैं हमसे, और वो उम्मीदों पर अगर हम खरे नहीं उतर पाएंगे तो ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय है। हमारे कद पे, हमारे वजूद पे, हमारे संगठनों पे, हमारी एकता पे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स मिले उनका प्रयोग भी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आज भी हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हुए। मेरे बहुत ज़िम्मेदार साथियों, उन्नाव में दो बेटियों की जान चली गई, तीसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, पीड़ित परिवार से कोई मिल नहीं सकता है, और अस्पताल में कोई नहीं देख सकता। अस्पताल से बुलेटिन 24 घंटे बाद जारी हो रहा है, जबकि इतना संवेदनशील मामला है कि हर घंटे बाद बुलेटिन जारी होना चाहिए था, सूचना जो है मिलनी चाहिए थी। और हम लोग कल से निगाह बनाए हुए हैं, भीम आर्मी की कमेटी टीम जो है रात में वहाँ जिलाध्यक्ष जी, आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी उन्नाव पहुँच गए थे। कानपुर में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष जो है मौके पर थे। वहाँ हमारे नेता दीपू निषाद, एक नौजवान नेता, वो बहुत जिम्मेदारी से वहाँ लड़ रहे थे, कल मांग कर रहे थे कि बच्ची को एम्स भेजा जाए, आंदोलन पे रहे पूरे दिन। हमारे एक और नेता डॉक्टर आकिब वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं ओपी गौतम जी और कोरी साहब, तमाम लोग जो हैं वहाँ संघर्ष कर रहे हैं कानपुर में। मगर मैं आपके बीच जो बात रखना चाहता हूँ ये है कि जब हाथरस में सब चीज़ें हुई थी तो हमने मांग की थी कि बच्ची को एम्स भेजा जाए। काफ़ी दिन तक वो अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझती रही, लेकिन प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के कारण, लिपापोती कारण, उसको हायर सेंटर नहीं रेफ़र किया। अंत में क्या हुआ कि उसकी जब वो आई सफदरजंग एम्स की जगह, तो उसकी जान चली गई। और फिर जो उसके बाद हुआ वो आपको पता है, किस तरह उसके शव को कचरे की तरह जला दिया गया, किस तरह जो है उसको ऊपर मीडिया ने किस तरह का राग अलापा, मीडिया ने उसको चरित्रहीन साबित करना शुरू कर दिया, और सरकार ने उसमें PFI और भीम आर्मी फंडिंग का कनेक्शन निकाल दिया। यानी कि न्याय को रोकने की तमाम कोशिशें जो है वो की गई। आपकी आवाज़ होने के नाते और इस समाज में, दलित समाज में जन्मे होने के नाते, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी भी मुद्दे पे चुप ना रहूं जो हमारे लोगों के अधिकार, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनसे जुड़ा हुआ हो, वो कोई भी मसला हो। तो साथियों, ये समझने की बात है कि
उन्नाव से लाके बेटी को कानपुर क्यों एडमिट किया गया और कानपुर में एडमिट करने के पीछे राज क्या, जो मुझे समझ आता है। अगर आप अगर सवाल नहीं करोगे तो मुझे लगता है सरकार जवाब नहीं देगी। हम परसों से डिमांड कर रहे हैं, परसों रात से, कि भाई बेटी को एम्स भेजा जाए, एम्स, लेकिन सरकार को तो कुछ भी नहीं समझ आया, सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप याद कीजिए कि ये जो हॉस्पिटल है रेजेंसी हॉस्पिटल, मैंने इस पर ट्वीट किया है कि ये वो हॉस्पिटल है जो लंबे समय से विवादित है और जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। एक माँ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कोई भी अपनी बच्ची को या अपने परिवार को यहाँ एडमिट ना करे, इस अस्पताल में ना लाए। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत महंगा भी है, और उस वीडियो में आप ये देखेंगे, मैं भीम आर्मी फेसबुक पेज पे भी वो डाल दूंगा वीडियो, जिसमें परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 3-4 दिन पहले हमारे पेशेंट की जान चली गई थी, लेकिन इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने 4 दिन तक मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डालकर रखा और हमसे पैसे ऐंठते रहे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी हॉस्पिटलों में भरोसा नहीं करती है? एम्स जो दुनिया में जिसका नाम है, और कोई भी बीमार होता है नेता तो उसको तुरंत कहाँ लाते हैं? एम्स। लेकिन क्या दलित एम्स नहीं आ सकते हैं? क्या दलित समाज की बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? तो आप ये समझिए कि सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि सरकार तमाम तरह की वो करेगी, और किसे आरोपी बने क्या करेगी बाद की बात है, अपराध तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन करना क्या चाहता सरकार को कि पहले सरकार की, सरकार बच्ची के जीवन को सुरक्षित करते, बच्ची का बेहतर इलाज होता, और जब वो इलाज हो जाता, वो ठीक हो जाती, तो वो अपने आप सारी चीज़ें बता देती, कौन था, किसने किया, क्या कुछ है, कोई खुद अपने आप को बांध के जहर तो नहीं खाता। तो मगर आप ये समझिए कि हाथरस में भी उस बच्ची को इलाज उसका प्रॉपर नहीं कराया तो उसकी जान चली गई, वो भी उन अपराधियों को सजा दिलाने में नाकामयाब रही काफ़ी हद तक, क्योंकि जब वो कोर्ट में, समझिए कि जो आई विटनेस जो होता है, मुख्य गवाह जो होता है, आंखों देखा गवाह जो होता है, जिसने आंखों से देखा है, तो आप पीड़ित तो उसका खुद में आई विटनेस होता है, तो जब वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के कहती कि इन लोगों ने मेरे साथ ये सब चीज़ें जो है, मेरे दुर्व्यवहार और तमाम तरह के जो हाथरस में हुआ मैं नहीं कह पा रहा हूँ, वो जब सबसे चिल्ला कहती तो उन 100% उन अपराधियों को निर्भया केस की तरह फांसी की सजा होती। तो वो कहते ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसलिए पीड़िता को ही इसी हालत में रखा गया कि उसकी जान चली गई। अब मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है इसका एक रिकॉर्ड है और एक बदनाम हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार ने एम्स लाने की बजाय या KMU लखनऊ ले जाने की बजाय, कि लखनऊ में बड़े से बड़े 40 तमाम हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनमें ले जाने की बजाय ये इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कानपुर क्यों लाए और लंबे समय तक वहाँ क्यों रोके हुए हैं? देखिए, पहली बात तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी कोई आदमी घुस नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है। दूसरा, आप समझते प्राइवेट है क्या, निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना काल में ये प्राइवेट हॉस्पिटल ही जो है, इन्होंने आम आदमी आम पेशेंट का आना बंद कर दिया था, कोरोना के पेशेंट को ले रहे थे, कोई कितना परेशान था, कई पेशेंट की जान जो है इनके हॉस्पिटल के बाहर चली गई। अब सरकार, आप समझ रही है पूंजीपति किस तरह से सरकार के आगे नतमस्तक हैं, कि कल इसमें जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब हाथरस का मामला था तो CBI ने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल तमाम जगह से इकट्ठा किया, लेकिन प्राइवेट का जो है ये, इसका मालिक जो है वो जब चाहे इस रिकॉर्ड को बदल सकता है, किसी के भी रिपोर्ट्स जो है, किसी के बिना, आर्टिकल 15 में हमने देखा था ना, लगभग उससे जुड़ा मामला है, किसी की भी रिपोर्ट्स और उस पर किसी का भी नाम, तो सब चीज़ें सामान्य दिखाई जा सकती हैं। तो जो, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये बीच बीच में कहेंगे कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, और अंत ये भी कह सकते हैं कि नहीं, उसकी वो नहीं रही, मैं ये संभावना जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे अनुमान लग रहा है कि कल ये इस तरह की बात भी हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकार इस पर चाहे जिस तरह की रिपोर्ट बनवा सकती है, कोई इसकी जवाबदेही नहीं है, और कल हम जाके वहाँ किसी RTI से किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट्स भी नहीं मांगे, और इन रिपोर्ट्स में भी छेड़खानी हो सकती है, कई बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं, सिस्टम किस तरह से काम करता। आज ये जो हॉस्पिटल है ये DM की भूमिका में, हाथरस के DM की भूमिका में, वो तो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते, सरकार के आगे इतने नतमस्तक थे कि उन्होंने पीड़िता का शव जलवा दिया, पीड़ित परिवार को डराने धमकाने में लगे थे और तमाम तरह की चीज़ों से छेड़खानी उन्होंने की जो एविडेंस थे। और ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान आप उस समय का एक बार याद कीजिए कि रेप नहीं हुआ है, उन्होंने ओपन तौर पे कहा, जबकि ये वायलेशन था, ये कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट के, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो कहता है कि नहीं भाई, ये आप
निर्धारित नहीं कर सकते, तो मेडिकल रिपोर्ट्स और जो है कोर्ट निर्धारित करेगा हुआ है नहीं हुआ है, क्राइम हुआ है नहीं है या रेप हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन यही सच था कि सरकार के आगे सरकार की इच्छाओं पर काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने और सरकार पुलिस के लोगों ने काम किया। इस हॉस्पिटल को खरीदना, डराना, धमकाना कितना आसान काम है आप समझ सकते हैं, और सरकार इससे क्या क्या करा सकती है। तो मुझे डाउट है कि सिर्फ लिपापोती की जा रही है और हमारी बहन को वहाँ रख के कल हो सकता है हमें खबर आए या परसों में, आज हमें खबर आए कि हालत में सुधार है, शाम में और सुधार है, कल आए और सुधार है, और परसों या कल में ये खबर आ जाए कि वो पीड़िता नहीं रही है। तो इस पूरे मामले में न्याय को, अगर न्याय को प्रभावित कहीं किया जाएगा तो उसी तरीके किया जाएगा अगर पीड़िता ना रहे। सोचिए कि दो बच्चियाँ तो पहले नहीं रही हैं, सरकार के पास पुलिस के पास तो कोई एविडेंस भी नहीं कि किसने किया है। अगर तीसरी नहीं रहेगी, तीसरी अपनी बात को नहीं कह पाएगी, तो आप सोचिए कि क्या वो बता पाएगी किसने किया, क्या उस पीड़ित परिवार को जो डरा धमका जा रहा है हाथरस में हम देखा, उस परिवार को क्या झेलना पड़ रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम तरह से हम सबके होते हुए, उनके भाइयों के होते हुए, उनके इस परिवार के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया भले से ना उठाए, उस पर सरकार का दबाव हो, लेकिन हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया पे हैं वो सोशल मीडिया पे पूरा कोहराम मचा दें, वो सोशल मीडिया पे कोहराम मचाते हुए मांग करें कि पीड़ित बच्ची को, पीड़ित बहन को, पीड़ित बेटी को एम्स में दिल्ली लाया जाए जहां उसका इलाज हो। क्योंकि पिछली बार इन्होंने लाश को भी, आपको पता है, हाथरस पीड़िता की लाश को भी जला दिया था, क्योंकि उसका री पोस्टमार्टम होता तो बहुत कुछ चीज़ें निकल के आ जाती, हमें नहीं पता है कि वहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ कौन किसकी देखरेख में हो रहा है, कल वहाँ किस तरह की चीज़ें सामने आने वाली है, कल वहाँ से मेडिकल बुलेटिन जो जारी हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कोई व्यवस्थित व्यक्ति जो है नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ और शक, मेरा पूर्ण शक है कि कल इस तरह की चीज़ें हो सकती। मैं मांग करता हूँ अपने साथियों से कि वो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये संदेश जो है प्रसारित करें और सरकार से मांग करें, इस मांग को मजबूत करें कि पीड़ित बच्ची को एयरलिफ्ट से जो है वो एयरलिफ्ट एम्बुलेंस से एक घंटे में उसको दिल्ली लाया जा सकता है तो उसको दिल्ली लाए, या फिर ये सरकार बताए कि दलित बच्चियाँ जो हैं अपनी जिंदगी सुरक्षा के लिए क्या उनको एयरलिफ्ट एम्बुलेंस नहीं मिल सकती है। और सरकार अगर कहती है कि इसमें खर्चा होता है तो हम सब लोग अपना खून बेच के भी उसका इलाज कराएंगे, हम अपने घर परिवार, घर जमीन बेच के भी उसका इलाज कराएंगे, हम कह के हम अपनी बहन की जान की सुरक्षा करेंगे, और यही हमारी पहचान है भीम आर्मी की भी और तमाम लोगों की भी। आपका भाई होने के नाते मैं आपसे मांग करता हूँ कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आइए, और जिंदा नज़र आने का आसान तरीका यही है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि उस बच्ची की थोड़ी तबीयत ठीक हो और वो कुछ बोले, क्योंकि पिछली जो और दो बच्चों की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसमें तो प्रशासन ने कह दिया कि भाई पॉइजन आया, किसने दिया सर पुलिस को नहीं पता है। तो कल इसमें लिपापोती करके किसी और, मतलब अपराधी को ना पकड़ के किसी और व्यक्ति को इसमें दोषी करार दे दिया जाए, उसको बंद करके भेज दिया जाए, या इस परिवार पे ही इन बच्चों को ये कह दिया जाए कि उन्होंने ही जो है सुसाइड करने का प्रयास किया है। इन सब चीज़ों का राज अगर कोई खोल सकता है, पर्दा उठा सकता है, न्याय और सच्चाई सामने आ सकती तो तभी आएगी जब ये बच्ची सुरक्षित रहेगी और अपनी बात को कह पाएगी। लेकिन सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ये मांग जो है सरकार को माननी पड़ेगी। और सरकार मौका ढूंढ रही होगी कहीं इसमें पीएफआई का एंगल निकाला जाए, मुस्लिम एंगल निकाला जाए, या कोई और नक्सली एंगल निकाला जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को, इस विपक्ष को कहा जाए कि भाई ये लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई ये है कि अपराधियों का संरक्षण जो है वो सरकार कर रही है, और अपराध पीड़ितों को दबाने का काम सरकार कर रही है, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री मठ में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बच्चियों की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही है, उनकी माओं की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही, उनके पिताओं की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही, उनका दर्द नहीं दिख रहा है। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये बहुत ही आप समझिए कि दूषित मानसिकता की सरकार है। ये दलितों को इसमें न्याय मिलना आसान नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने पहले भी कोई लड़ाई, बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि एक बार हमारी बहन कुछ बोल के बताए या हमें खबर करे कि भाई मेरे साथ मुझे ये परेशानी है और इन लोग ये इस तरह की चीज़ें हैं। विश्वास कीजिए कि सरकार का कोई भी ताकतवर जो है कानून और या कोई भी व्यक्ति
हमें न्याय दिलाने से नहीं रोक पाएगा। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी भीम आर्मी के तमाम नेता और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता वहाँ लगे हुए हैं। आज भी दीपू निषाद जी और डॉक्टर आकिब साहब वहाँ मौके पर हैं, ओपी गौतम साहब, कोरी साहब, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी वहाँ गए हैं, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। तो देखिए, समझिए, जो आदमी इतना गरीब है वो, उसको उम्मीद है कि वो नहीं लड़ पाएगा, और किस तरह डराया धमका जा रहा है परिवार को, इस तरह फोर्स लगा दी गई, पूरा अपराधियों पकड़ तो नहीं पकड़ पा रही है। तो मैं आपसे आज ये मदद चाहता हूँ कि आप कम से कम 5-5 ट्वीट जो हैं या 5-5 जो हैं फेसबुक पे पोस्ट जरूर करें कि मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े और मुख्यमंत्री बताएं क्या दलित गाजर मूली है जिसको कोई भी जान से मार देगा, हत्या कर देगा, काट देगा, कुछ और कर देगा, क्या हमारे को अधिकार नहीं है, या हम लोगों को हमारे जीने के अधिकार या सुरक्षित रहने का अधिकार या जीवन सुरक्षा के जो अधिकार हैं या न्याय लेने के जो अधिकार हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो सब छीन लिए जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप आज जो है साबित करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। देखिए, हमारी बहनों का सम्मान ही हमारा सम्मान है, उनकी सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है और उनको न्याय दिलाना ही हमारी राजनीति है, हमारे संगठन का जो है नियम है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप मेरा व्यवहार और मेरी प्रतिज्ञा, मेरा संकल्प जानते हैं कि फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा और फिर मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे मैं अपनी बहन को सुरक्षित रख सकूं और न्याय दिला सकूं। और सरकार याद रखे कि चंद्रशेखर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। यहाँ ये जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं हंगामा नहीं चाहता, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ सरकार हमारी मांग को मान जाए, वरना हम अपनी लड़ाई लड़ना स्वयं जानते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप बड़ी संख्या में सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफार्म है, और मजबूर करेंगे मिनिस्ट्री मीडिया के लोगों को भी कि वो इस मांग को उठाएं। और क्यों नहीं लेके आया, क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते घटना खुल जाए, पूरी घटना से पर्दा हटे, राज खुल जाए, क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं? क्या सरकार नहीं चाहती कि आरोपी पर कार्रवाई हो? और सरकार नहीं चाहती तो खुल के बोले, फिर हम लोग देखेंगे कि हमें अपनी बहन बेटी की सुरक्षा कैसे करनी है, उनको न्याय कैसे दिलाना है।